जैसा कि दोस्तों ये देखिए पंडित पार्किंग है और यहाँ पर लिखा हुआ है कार मोटरसाइकिल हेतु सब चीज़ यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीजे आ चुका है और ये भी यहाँ पर पार्क किया जा रहा है। जितने भी डीजे साउंड यहाँ पर आना चाहते हैं तो इस पंडित पार्किंग में डीजे साउंड को पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर साउंड इसी में पार्क किए जा रहे हैं, बड़े बड़े साउंड भी आ रखे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बड़े बड़े साउंड दिखाने ले चलेंगे कितने साउंड आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आया है इसके एसके डीजे नवेदर बॉर्डर और ये भी यहाँ पर पार्क किया जा रहा है, ये देखिए। और अब देखिए जो रोड है भर के चलने लगा है। तो कुछ ही दिनों में हम आपको डाक कावड़ दिखाएंगे और अभी जो डाक कावड़ नहीं आ रही है तो चलिए जो पार्किंग के अंदर है वो हम पार्किंग के अंदर चलते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ डीजे खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए गदर डिजिटल साउंड सिस्टम यहाँ पर आया हुआ है और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो सभी प्रकार के डीजे आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो ट्रॉली में बड़े बड़े डीजे आना चाहते हैं तो उनको गेट नंबर 2 पे आना पड़ेगा, वहाँ से उनको पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको बसें भी पार्क की जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर एक ट्रॉली आई हुई है जो कि गेट नंबर 2 से पार्क की जा रही है और इसमें भी काफ़ी बड़ा साउंड है और इसमें युवक बैठे हुए हैं जो कांवड़िए हैं और इस कांवड़ का नाम है ब्रजवासी शिव कांवड़ संघ जटीकरा से आई हुई है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कांवड़ें आना स्टार्ट होगी और आगे की तरफ चलते हैं और जो डीजे साउंड अभी बज रहा है यहाँ पर, तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो डेकोरेट का सामान है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक और विशाल कांवड़ खड़ी हुई है, इस कांवड़ का नाम है पहली विशाल कांवड़ यात्रा और यहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति है उसको डेकोरेट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए युवक धूप में भी खड़े हुए इसको डेकोरेट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको। और इतनी तेज़ आज गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है, ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। आइए आगे चल के ये देखिए डेकोरेट एकदम अच्छे तरीके से किया जा रहा है अभी यहाँ पर, बहुत अच्छी लग रही है जो मूर्ति। और यहाँ पर देखिए उस साइड देखिए डीजे साउंड आपको दिख रहा होगा, पिछली वीडियो मैंने ये साउंड दिखाया था और ये साउंड अभी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो साउंड है बज रहा है, यहाँ पर जो युवक हैं डांस देख रहे हैं, जो कांवड़िए यहाँ पर फनी डांस करते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर जो मैं दूर से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो सॉन्ग है उस वजह से जो वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, इसी वजह से इसलिए दूर से बना रहा हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा। देखिए इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, छठी डाक कांवड़ यहाँ पर आई हुई है, ये देखिए कैंटर में और काफ़ी अच्छी लग रही है। उस तरफ है एक डीजे ट्रॉली में, तो ये देखिए यहाँ पर जो बड़ा डीजे ये वाला आया हुआ है सबसे बड़ा अभी यहाँ पर, और इससे बड़ा डीजे अभी तक नहीं आया इस पार्किंग में अभी, और काफ़ी बड़ा डीजे है। इस कांवड़ का नाम है पांचवी विशाल तिरंगा कांवड़ और ये हरिद्वार से पूरा महादेव जाएगी और काफ़ी अच्छी कांवड़ है। और ये देखिए अभी तो जो कि धूप हो रखी इसी वजह से जो साउंड है बंद कर दिए गए। इस साइड देखिए ये मूर्ति आपको दिखाई होगी मैंने पिछली वीडियो में, अभी भी यहाँ पर है। तो ये देखिए एक और ट्रैक्टर आया हुआ है, इसका नाम है पांचवी से माँ कांवड़ और यहाँ पर देखिए जो डेकोरेट हो रही है अभी ये नहीं जाएंगे, ये रात को ज़्यादातर जाते हैं। कल रात को मैंने देखा तो एक कांवड़ थी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई होगी, वो कांवड़ यहाँ से जा चुकी है और काफ़ी यूनिक कांवड़ थी और वो काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट की जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये पांडाल लगाया हुआ है जो कि जैसे कोई कांवड़िया यहाँ पर आता है तो उनके लिए खाने पीने जैसी सुविधा यहाँ पर मिल जाएंगी, पानी जैसी भी सुविधा मिल जाएंगी यहाँ पर। और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर और जितने वक्त यहाँ पर आना चाहते हैं तो आइए। यहाँ पर देखिए जो शेषनाग की जो मूर्ति है यहाँ पर है, भोले बाबा के लिए आई हुई है और ये चल भोले के द्वार 23वीं कांवड़ है और विशाल कांवड़ पद यात्रा है ये, और ये हरिद्वार से फरीदाबाद जाएगी। और उस साइड भी देखिए मैं आपको दिखाने के लिए ले चलता हूँ, उस साइड भी विशाल कांवड़े हैं और चलिए देखते हैं ये कहाँ से आई हुई है और कहाँ पर जाने वाली है। ये देखिए पहली विशाल कांवड़ जो हरिद्वार से दिल्ली जाएगी, ये देखिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी बड़े कांवड़े हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और जो बड़े बड़े डीजे हैं वो भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो बड़े डीजे हैं वो कहाँ पर पार्क करने हैं। ये पार्किंग है हर की पौड़ी से थोड़ी दूर, तो ऋषिकेश के लिए रास्ता जाता है वहाँ पर जो कट दिया गया है भीमवाड़ा के लिए, वहाँ से आप आ सकते हैं। और जो गेट नंबर पर ट्रॉली है, बड़ी बड़ी ट्रॉली पर गेट नंबर 2 पे आना है और जो ज़्यादा छोटे डीजे हैं तो वो एक नंबर में पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पीछे की साइड आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी कांवड़ें आना स्टार्ट हो चुकी हैं
और दोस्तों ये बताना ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो हमारी आने वाली वीडियो होगी वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं हम ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।